पिछले क्लास में जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि मानव ह्यूमन बींग्स में जो मेल होगा उसका दो कंडीशन होगा कि मेल या तो समान होगा या असमान होगा, लेकिन मादा का तीन कंडीशन मिलेगा इसमें एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। मादा सामान्य होगी, मादा वाहक होगी या मादा असामान्य होगी, चर्चा हो चुका था। तो अब देखिए दोनों का ये जो दोनों क्या है, ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ये दोनों अनुवांशिक रोग है और दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित होता है, स्पेशली एक्स सेक्स क्रोमोसोम। तो कलर ब्लाइंडनेस एक खास स्थिति है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये अनुवांशिक विकार है, इसमें जो ग्रसित हैं लोग, जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो खास रंग के बीच अलग नहीं कर, माने अंतर नहीं कर पाते हैं। उनमें इस जो कलर ब्लाइंडनेस या वर्ण आर्द्रता से जो ग्रसित रोग है वो खास रंग जैसे ब्लू और ग्रीन, हरा और नीला के बीच वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, यही कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, ये भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। इस विकार से जो ग्रसित लोग हैं उनके शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, कट जाए तो रक्त का बहना बंद ही नहीं होता है, यानी कि इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, अब इसको हम देखे थे कि कैसे कैसे माता पिता से बच्चों में जाता है। तो जैसे हम कंडीशन देखेंगे, मान लिया जाए एक सामान्य पुरुष है, जिसका मैरिज हो रहा है एक किससे, वाहक से, जो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों से भी चलेगा, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी, रिजल्ट हमारा सेम। तो हम किसी के साथ करा, ये सामान्य है और ये कैसी मादा है, वाहक है। ठीक है, तो अब देखिए यहां देखिए ये भी हेटरोजाइगस, यहाँ भी दो तरह का एलील हो गया और ये भी अब दो तरह का एलील हो गया, ये हेटरोजाइगस हो गया, एक जैसा नहीं लग गया दोनों। जबकि सामान्य में वो क्या होता है, सामान्य में ये सामान्य मादा में ऐसा होता है होमोजाइगस होता है, सामान्य मादा में सेक्स क्रोमोसोम होमोजाइगस होता है, सामान्य पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम हेटरोजाइगस होता है, सामान्य पुरुष में सामान्य मादा में सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हेटरोजाइगस विषम लिंगी, और यहाँ क्या है सम लिंगी, एक जैसे भी। तो अब इस केस में जब महिला वाहक है तो इस केस में क्या हो गया, हेटरोजाइगस विषम युग्मी अलील का जोड़ा हो गया। अब इसमें ये मान लिया जाए एक्स जब गैमेट बनेगा तो एक्स वाला गैमेट वाई वाला गैमेट, यहाँ भी जो फीमेल गैमेट बनेगा ये वाला गैमेट बनेगा, ये वाला गैमेट बनेगा। अब ये गैमेट इसके साथ करे फ्यूजन, ठीक है, ये गैमेट इसके साथ कर रहा है, तो फिर मादा क्या हो जाएगी, फिर मादा इस रूप की वाहक बन गई। ठीक है, और ये वाला इसके साथ करेगा तो मादा क्या हो जाएगी नॉर्मल, यह एक्स नर का, यह एक्स 50% चांस है इसके साथ मादा की इस एक्स का फ्यूजन करे तो मादा वाहक, और यह एक्स 50% चांस है मादा की इस एक्स के साथ करे तो क्या हो गई, मादा सामान्य हो गई नॉर्मल। फिर वाई का बात कर, ये वाई वाई अगर इस एक्स के साथ कर रहा है फ्यूजन, वाई अगर इस एक्स के साथ फ्यूजन कर रहा है, वाई वाई क्रोमोसोम मादा के इस एक्स के साथ कर रहा है, अगर वाई क्रोमोसोम मादा के इस एक्स के साथ कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो जो नर बनेगा वो कलर ब्लाइंड से ग्रसित हो गया, नर क्या हो गया कलर ब्लाइंड से ग्रसित हो गया। ठीक है, या वाई अगर हम इसका कंडीशन करें तो यह एक्स नर का एक्स अगर मादा की इस एक्स के साथ फ्यूजन करेगा तो मादा वाहक हो जाएगी हीमोफीलिया रोग की, या अगर यह एक्स इसके साथ करेगा तो मादा सामान्य हो जाएगी। पुरुष का यह वाई जो है गैमेट, ये अगर मादा की इसके साथ करे तो मादा हीमोफीलिक हो जाएगा, अगर वाई इसके साथ करे तो नर बनेगा और नर क्या हो जाएगा हीमोफीलिक, या इसके साथ करे तो नर सामान्य। एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया कि
वाई इसके साथ करे तो मेल बना हमारा और रूही हो गया, फिर वाई अगर इसके साथ करे तो मेल कैसा हो गया, समान हो गया। अगर वाई इसके साथ कर रहा है, ये वाई इसके साथ फ्यूज हो रहा है तो जो मेल बना रूही हो गया, और वाई इसके साथ फ्यूज हो रहा है तो जो हमारा मेल बना समान हो गया। एक कंडीशन नहीं हो गया, क्या हो गया कंडीशन, कि जब कोई सामान्य पुरुष हिमोफीलिया रोग या कलर ब्लाइंडनेस रोग की वाहक महिला के साथ शादी करता है, ठीक है, तो जो मादा पुरजिनी बनती है, मादा संतति बनती है, वो या तो वाहक होगी या समान होगी, या तो वाहक होगी या समान होगी, लेकिन जो नर संतति बनेगा, नर संतति, वो 50% समान होगा और 50% उस रोग का रोगी होगा, 50% समान होगा और 50% रोग का रोगी होगा। अब यहां से परसेंटेज कई तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसी तरह से कि आप ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन है कि एक समान व्यक्ति हिमोफीलिया या कलर ब्लाइंड वाले महिला से शादी करता है, पर नहीं, एक समान व्यक्ति वैसे महिला से शादी करता है, वैसे एक समान पुरुष वैसे मादा से शादी करता है जो हिमोफीलिया रोग से ग्रसित है या कलर ब्लाइंड रोग से ग्रसित है, तो क्या हो जाएगा इसके केस में देखना। अब इसमें मानो का एक्स वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, मादा वाहक, फिर यह एक्स इसके साथ करेगा तो ही मादा हर हाल में वाहक बनेगी, मादा हर हाल में क्या हो जाएगी, वाहक, मादा हर हाल में वाहक होगी, चूंकि दोनों ही मादा के जो ये हैं क्या एक्स क्रोमोसोम है, हिमोफीलिया के फैक्टर को कैरी कर रहे हैं, ढो रहे हैं। अब हम वाई का बात करें तो जो वाई क्रोमोसोम है नर का, वो इस एक्स के करेगा, ठीक है, ये वाई अगर इस एक्स के साथ फ्यूज हो रहा है तो भी जो चाइल्ड बनेगा, मेल चाइल्ड या लड़का बनेगा, वो हिमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगा, या यह वाई दूसरे एक्स के साथ करे तो भी ग्रसित हो जाएगा। यानी कि दूसरा कंडीशन हो गया कि जब सामान्य पुरुष किसी कलर ब्लाइंड महिला से या हिमोफीलिया रोग से ग्रसित महिला शादी करता है तो सारे उसके मादा संतति वाहक बनेंगे, सारे मादा संतति वाहक बनेंगे और सारे नर संतति रोगी होंगे, वो कलर ब्लाइंडनेस रोग के रोगी होंगे या हिमोफीलिया। दूसरा कंडीशन अब हो गया। तीसरा कंडीशन आप देख सकते हैं उसी तरह से कि क्या होगा, समान पुरुष शादी कर रहा है कैरियर से, समान पुरुष किससे शादी कर रहा है, कैरियर, कैरियर वो हिमोफीलिया रोग की भी हो सकती है या कलर ब्लाइंडनेस का, सेम होगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, यह एक्स दिखा चुके हैं, ये तीसरा कंडीशन ले लीजिए कि कोई हिमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है, हिमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो शादी कर रहा है किससे, एक ऐसी महिला से जो हिमोफीलिया रोग की वाहक है, उसको यह बीमारी नहीं है लेकिन उस रोग की वाहक है, एक हिमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति एक ऐसी महिला से शादी कर रहा है जो हिमोफीलिया रोग की वाहक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, यह एक्स जो मेल वाला एक्स क्रोमोसोम है वो इस मादा की इस एक्स के फ्यूजन करेगा तो जो लड़की बनेगी वो हिमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी, या यह एक्स जब इसके साथ फ्यूजन करे तो जो लड़की बनेगी वो वाहक हो जाएगी, यानी इस कंडीशन में लड़की वाहक नहीं बनेगी। जो भी मादा संतति होगी उसमें 50% इस रोग की रोगी हो जाएगी और 50% इस रोग की वाहक, ठीक है। अब वाई या तो इससे करेगा, जब इससे करेगा तो वाई मेल रोगी और इससे करेगा तो समान, इसका रिजल्ट क्या होगा, कहा जाए कि जब एक हिमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति हिमोफीलिया रोग के वाहक नारी से शादी करता है, मादा से शादी करता है, तो क्या रिजल्ट होगा कि जो मादा संतति उनके होंगे उसमें 50% उस रोग की रोगी हो जाएगी और 50% उस रोग की वाहक हो जाएगी।
और नर संतति का बात करें तो नर संतति भी यहाँ 50% उसको कारूबी हो जाएगा और 50% सामान्य। ध्यान देना है बाबू, हर हाल में व्यक्ति पूछा जाता है, कभी भी नर संतति वाहक नहीं बन सकता है। वाहक किसी भी रोग का वाहक, कलर ब्लाइंडनेस रोग का वाहक या न्यूक्लिया रोग का वाहक, कभी भी किसी भी हाल में नर संतति जो है वाहक नहीं सकता है। वाहक जब भी होगी तो मादा। क्यों? कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कलर ब्लाइंडनेस या न्यूक्लिया के फैक्टर कहाँ रहते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। तो एक्स क्रोमोसोम नर में कब होता है, एक, और मादा कितना होता है, तो मादा तभी सुखी रोगी ग्रसित होगी जब दोनों ही एक्स पर न्यूक्लिया के फैक्टर या कलर ब्लाइंडनेस फैक्टर, और नर में एक ही पर होगी तो वो एक ही पर होगा तो नर उस रोग से रोगी हो जाएगा। तो नर जो है कभी भी, नर संतति कभी भी हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का क्या हो नहीं सकता है, आपको वाहक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चौथा बाबू कंडीशन अगर आप देखें, चौथा कंडीशन यहाँ लिखे, चौथा कंडीशन इसका लिखिए, चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि एक हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति एक वैसे माता से शादी करता है जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। एक नर हीमोफीलिया रोग से या कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित व्यक्ति का मैरिज कराया जाए वैसे महिला से जो हीमोफीलिया रोग से वो भी ग्रसित है, तो इनके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे संतति क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये बाबू चार पांच कंडीशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे यहाँ पैटर्न वंशानुगत होने का पैटर्न जैसे हीमोफीलिया का है, ठीक वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस का है। वो एक समझ गए तो आप सब समझ गए। और ध्यान दीजिए, आपके 2018 के बिहार बोर्ड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, 2018 के बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आया था, और अपने ही कोचिंग के बहुत लोग जो बिना ब्रेन के घर पर जो अपना ब्रेन रख के चले गए थे परीक्षा देने, कुछ लोग गलती कर दिए थे, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में भी कई बार आया है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया। क्वेश्चन था, अगर आपके पास 2018 वाला 2018 बोर्ड में का जो क्वेश्चन होगा आपके पास, बिहार बोर्ड का 2018 का या नीट का भी क्वेश्चन होगा, तो आप देखिएगा 2018 बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि जब एक एक सामान्य पुरुष, क्या था, एक सामान्य पुरुष एक ऐसी महिला से शादी करता है जिसके पिता उस हीमोफीलिया रोग से ग्रसित। क्वेश्चन क्या आया था कि कोई व्यक्ति, अगर कहें कोई व्यक्ति मतलब व्यक्ति सामान्य है, एक ऐसी महिला से शादी करता है जिसके पिता उस रोग के रोगी थे, तो बताइए उनका जो संतति होगा उसमें कितने परसेंट मेल चाइल्ड उस रोग से रोगी होंगे। इस क्वेश्चन को यह आया था ऑब्जेक्टिव में कि एक सामान्य पुरुष एक ऐसे महिला से शादी करता है जो देखने में सामान्य है, लेकिन उस महिला के पिता जो थे वो हीमोफीलिया रोग से या कलर ब्लाइंडनेस रोग से रोगी थे। ठीक है, बस, तो कितने परसेंट जो बच्चे होंगे, मान लिया जाए मेल या फीमेल, उस रोग से रोगी होंगे, तो निकालना है। और मान लो बात कर रहा है कि ये पुरुष है एक ऐसे महिला से शादी कर रहा है, महिला इस रोग की वाहक है या इस रोग की रोगी नहीं, सीधे कह रहा है कि एक ऐसी महिला शादी कर रहा है जिसके पिता उस रोग के रोगी थे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, तो पिता के बारे में कह रहा है, मतलब कि वह पुरुष जिस महिला से शादी कर रहा है उसकी माता सामान्य होगी। तो पहले वो कंडीशन निकाल लें, हम इस महिला के बारे में निकाल रहे हैं, महिला के जिस महिला से शादी कर रहा है उसके पिता उस रोग के रोगी है, तो पिता मान लिया जाए एक पिता हो गए इस महिला के, ये पिता हो गए फादर, और इसकी माता क्या हो गई, ये हो गई। चूंकि माता के बारे में चर्चा नहीं, तो माता को हम सामान्य मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है पुरुष उस महिला शादी कर रहा है जिसके पिता उस रोग के रोगी थे, हीमोफीलिया रोग के रोगी थे, तो अब यही इनके माता पिता हो गए, किन के, इस महिला के। तब देखेंगे कि जो महिला होगी वास्तव में बनी है कैसी। तो ध्यान दीजिए, ये पिता का एक्स क्रोमोसोम इस माता के साथ फ्यूज होगा, या पिता का यह एक्स क्रोमोसोम इस एक्स के साथ फ्यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हर हाल में जो भी ये महिला जितने भी बहन हो या जो भी हो, हर हाल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो मादा संतति बन रहा है हर हाल में वाहक बन रहा है। ध्यान दीजिए, हर हाल में मादा संतति क्या बन रहा है, वाहक, और नर संतति यहाँ क्या बनेगा, सामान्य।
यानी कि एक पुरुष जिस महिला से शादी किया जिसके पिता उस रोग के रोगी थे, हीमोफीलिया रोग के, इसका मतलब क्या हो गया कि वह पुरुष जिस महिला से शादी किया वह महिला हीमोफीलिया रोग की क्या है, वाहक। अब आपका बन गया क्वेश्चन, ध्यान देना है, महिला क्या हुई, वाहक। अब वाहक हो गई तो यह नर का एक्स इसके साथ करेगा तो फिर वाहक, और इसके साथ करेगा इस एक्स के साथ समान, अगर वाई इस एक्स के साथ कर रहा है तो नर संतति क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित। अगर वाई इस एक्स के साथ कर रहा है तो नर संतति क्या हो गया, समान। अब प्रश्न यहां पूछ सकता है, ये अगर इससे किया तो क्या हो गया, वाहक। अगर ये अगर इसके साथ कर रहा है तो ये क्या हो गई, नॉर्मल। और इस पर प्रश्न कई तरह से व्यक्ति पूछा जाएगा कि क्या होता है जब समान पुरुष उस महिला शादी करता है जिसके पिता उस रोग के रोगी थे, तो क्या होगा कि जो मादा संतति होगी उसमें 50% उस रोग की वाहक होगी और 50% समान होगी। जो नर संतति होगा वह 50% उस रोग का रोगी होगा और 50% समान होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और ये जो जब इतना तरह का जो एक्सरसाइज कराएं करा दीजिएगा, इससे क्वेश्चन नीट में जरूर रहता है। और इधर हम देख रहे हैं दो तीन साल से बिहार बोर्ड में संस्कृति बन रहा है, आप आराम से बना लीजिएगा और आपको अच्छा मदद मिलेगा। बस कंसेप्ट वही याद रखना है जो हम स्टार्टिंग में यहाँ समझाए थे कि पुरुष किस स्थिति में असमान होगा, कब समान रहेगा, और महिला किस स्थिति में समान होगी, वाहक होगी और असमान होगी। बस उतना ही कंसेप्ट याद रखना। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को क्रॉस लाइनेस और हीमोफीलिया समझ में आया होगा। तीसरा जो हमारा है नेक्स्ट रोग, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो आपको ये सिकल सेल एनीमिया मतलब इसको कहते हैं हिंदी में दात कोशिका अर्बुदा, यानी कि यह एक ऐसा बीमारी है। सबसे पहले तो हम बताएं कि ये जो तीनों बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये तीनों बीमारी ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज है, यानी कि अलिंग संलग्न अनुवांशिक विकार है। यानी कि जो तीनों तरह के जो बीमारी होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है, ये ऑटोजोम क्रोमोसोम से, यानी कि वे क्रोमोसोम जो बॉडी को बनाते हैं उससे संबंधित बीमारी है, ये ऑटोजोम लिंक रिसेसिव डिजीज है। तो सिकल सेल एनीमिया कह रहा है कि क्या है, एक खास तरह का अनुवांशिक बीमारी है। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे, अगर आएगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो क्या है भाई, तो ऑटोजोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है। अलिंग गुणसूत्र संलग्न विकार, अलिंग गुणसूत्र संलग्न विकार क्या होता है, बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं इनमें जो आरबीसी जिनके रक्त में जो लाल कोशिका पाई जाती है उसका आकार द्वि अवतल यानी कि बाई कनकेव रूप में ना रह करके हंसिया आकार हो जाता है। तो जब हंसिया आकार हो जाएगा आरबीसी का, वो द्वि अवतल ना लेकर रह करके जब हंसिया आकार हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल घट जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, आरबीसी का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, कई तरह से परेशान होगा। तो यहां ध्यान देना है ये कैसा रोग है, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट। कह रहा है कि ये इस रोग को जो रेगुलेट करने वाले जीन है कौन, सिकल सेल एनीमिया को, ये एक्चुअल में एक क्रोमोसोम 11 से संबंधित होता है। आप उसमें पढ़िएगा क्रोमोसोम जो 11 होते हैं, 11 सिकल सेल एनीमिया जो आपका जो ऑटोसोम है क्रोमोसोम संख्या 11 वहां उससे संबंधित होता है। तो इसमें कह रहा है कि इस सिकल सेल एनीमिया को जो रेगुलेट करने वाले वास्तव में जो जीन होते हैं ना, इसके दो अलील होते हैं हमारे शरीर में, इसको कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं उसके दो अलील होते हैं, एक को कहते हैं HBA और दूसरे को कहते हैं HBS। सिकल सेल एनीमिया को जो रेगुलेट करने वाले जो जीन होते हैं वो दो अलील होते हैं, HBA और HBS। और अब इस तीन अलील, दो तरह के जो अलील हैं इसके चलते तीन तरह का जीनोटाइप मानव देखने को मिलेगा, HBA, HBB। तो जब ऐसा अलील मानव मिलेगा तो मानव सामान्य होगा, उसमें यह रोग नहीं होगा। ऐसा मिलेगा तो वह मानव रोगी होगा सिकल सेल एनीमिया से, जब ऐसा अलील रहेगा। ये क्या है, अलील है किसका अलील है, उस जीन का
जो आप कह सकते हैं कि आरबीसी का सेल, आरबीसी का शेप मेंटेन करता है या सिकल सेल एनीमिया होने से बचाता है। इस स्थिति में मानव क्या होगा, इस रोग से ग्रसित होगा या नॉर्मल स्थिति रहेगा। और तीसरा जो यहाँ मानव का जीनोटाइप बनेगा HbA HbS, यही तीन पॉसिबल जीनोटाइप पाए जाएंगे पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव में। ये समान हो गया, ये बाबू रोगी हो गया, और ये कहलाएगा वाहक, कैरियर, धोने वाला या वाहक। तो देखिए, ये व्यक्ति समान रूप से नर या मादा, ये व्यक्ति समान रूप से इस रोग का रोगी नहीं होगा, लेकिन ये वाहक है। इसे कहते हैं अनअफेक्टेड मेल या फीमेल, अनअफेक्टेड हेट्रोजाइगस कैरियर, अनअफेक्टेड हेट्रोजाइगस कैरियर। ये अप्रभाव रहेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कैरियर हैं, ये फैक्टर को धो रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के। तो जब इनका मैरिज होगा ऐसा ही दूसरे व्यक्ति का, ऐसा ही कोई मेल हो, ठीक है, ऐसा ही कोई फीमेल हो, एक कैरियर मेल का कैरियर फीमेल के साथ शादी हो जाएगा, तो उनकी जो संतति होंगी उनमें 50% बीमारी होने का चांस रहेगा। नॉर्मली ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसे कैरियर का शादी किसी कैरियर के साथ हो जाए, ऐसे कोई मेल हो या फीमेल, फिर उसका मैरिज किसी मेल या फीमेल के साथ हो जाए ऐसा ही के साथ, उनकी जो बच्ची होंगे 50% इस रोग से ग्रसित होंगे। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब बोले बाबू कि इसमें होता क्या है, आखिर जो सिकल सेल एनीमिया इसमें कैसे ऐसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, आरबीसी से उसके अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिस उसी के चलते हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हमारे बॉडी में दो तरह के लिक्विड पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ। ब्लड रेड कलर का होता है और लिम्फ व्हाइट कलर का। काहे लिम्फ व्हाइट कलर का होता है, या लसिका, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब ब्लड का रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है दो चीज बना होता है, आयरन का और ग्लोबिन प्रोटीन का। किसका किसका? आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन का। वही आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन मिलकर के आरबीसी को निर्धारित करेंगे। तो ग्लोबिन प्रोटीन, आप जानते हैं प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। किसका? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड का मोनोमर हो गया। तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो होता क्या है बाबू, इस विकार के चलते जो ग्लोबिन प्रोटीन का बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उस ग्लोबिन प्रोटीन के बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में छठा नंबर पोजीशन पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, नमक अमीनो एसिड होना चाहिए, लेकिन ग्लूटामिक एसिड न होकर के वैलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? वैलिन नमक अमीनो एसिड आ जाता है, जिसके चलते यह सारा बीमारी हो जाता है। अब कह रहा है कि ग्लोबिन प्रोटीन, ध्यान दिया जाए, ये जैसे मान लो कि वैलिन है, पहला मान लो वैलिन हो गया, उसके बाद हिस्टिडीन है, मान लो प्रोलिन है, इस तरह से ट्रिप्टोफैन है, 1, 2, 3, और फिनाइलफेरिन है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा नंबर पर यहाँ क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, GLU से इंडिकेट कर रहा है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो नॉर्मल स्थिति में जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन, इस ग्लोबिन प्रोटीन के बीटा चेन में, कौन चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, दो चेन का बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, दो ना, दो अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। तो ग्लोबिन प्रोटीन दो पॉलीपेप्टाइड चेन बना होता है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के छठा नंबर पोजीशन पर, आप जानते हैं कि अमीनो एसिड उसका इकाई है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे ना उसका चेन, तो उसके छठा नंबर पोजीशन पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये सामान्य स्थिति में, लेकिन जब असामान्य स्थिति होता है तो असामान्य स्थिति में आपका वो ग्लूटामिक एसिड ना होकर के यहां वैलिन हो जाता है, वैलिन नामक अमीनो एसिड हो जाता है छठा नंबर पर। क्या हो जाता है? वैलिन। वैलिन किस में हो जाता है? गड़बड़ी वाले। सामान्य स्थिति में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन हो जाता है वैलिन। अब देखिएगा,
गुरुदानिक सीखे तो कोई प्रसन्न नहीं था, भैलिन आ जाता है और इसी चलते सारा गड़बड़ी हो जाता है। अब ये भैलिन का है बनेगा अमीनो एसिड, तो आप लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर में सर पढ़ाए होंगे कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए पर तीन लेटर का बना हुआ जेनेटिक कोड होता है और एक खास जेनेटिक कोड खास अमीनो एसिड को इंगित करता है। तो भैलिन अमीनो एसिड का जो जेनेटिक कोड है जो मैसेंजर आरएनए पर निर्भर करता है उसका नाम है जाओजी। क्या नाम है? जाओजी। ये जाओजी किससे बना? एमआरएनए। जाओजी क्या है? आरएनए है या मैसेंजर आरएनए पर पाया जा रहा है। तो जाओजी किससे बना हुआ है? डीएनए किसी के स्ट्रैंड से। तो ये डीएनए से बना तो ये इसका पूरा स्ट्रैंड डीएनए में होता है ना, डीएनए के एक स्ट्रैंड से बनता है। तो डीएनए का एक पूरा होता है किसी एक स्ट्रैंड का। तो यहाँ सी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ सी हो गया, ये डीएनए का। डीएनए में इस स्ट्रैंड से ये बना है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड में ये नाइट्रोजनस बेस है ये जेनेटिक कोड है उससे बना है, ठीक है। अब जब डीएनए में यहाँ होगा तो ये होगा जी टी और जी, गुआनिन साइटोसिन, थायमिन एडिनिन और गुआनिन साइटोसिन। यहाँ सी ए सी है उसे यार नहीं बनेगा, ये दोनों क्या है? डीएनए। कोई दिक्कत होना नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये जी टी जी है और सी ए सी है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है और सी ए सी से बना आरएनए। जाओ जी, ये सारा किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है सारा बात गड़बड़ी वाले में जिसमें सिकल सेल नहीं है। अब यहां देखिए ये को हम निकालते हैं, तो ये ग्लूटामिक एसिड है। तो ग्लूटामिक एसिड कब बना? इसका जेनेटिक कोड जीएजी है, ठीक है। तो जीएजी है, ये आरएनए हो गया, एमआरएनए पर है जीएजी। तो इस जो डीएनए में जिस डीएनए के जिस स्ट्रैंड से बना उसमें पूरक बेस इसका क्या होगा? तो सी होगा, टी होगा और जी होगा, सी टी सी। गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, थायमिन एडिनिन से और साइटोसिन इससे, और यहाँ हो जाएगा जी ए जी, ठीक है। ये क्या है बाबू? ये डीएनए है। डीएनए दुई लड़ी की संरचना होता है, उसमें एक लड़ी के स्ट्रैंड से ये आरएनए बना। ये क्या है? ये एमआरएनए पर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? जेनेटिक कोड जीएजी। इस जीएजी से क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड। क्या? अमीनो एसिड। तो सामान्य में ऐसा होना चाहिए, एक असामान्य में क्या हो गया कि जीए जी न बन करके जाओ जी बन गया और जाओ जी के चलते भैली न करने से। अब ये काहे बना भैली? तो ध्यान दो, सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस, सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस एक जगह पर टी आ गया, टी बन गया, होना चाहिए ए, इस एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस एक जगह पर टी हो गया जिसके चलते यह सारा बीमारी हो गया। समझ में आ रहा है? एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस एक जगह पर टी हो गया जिससे सारा चेंज हो गया और यहां छठा नंबर पोजीशन पर फैली आ गया। तो यानी कि एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस म्यूटेशन के चलते यहां जीए जी ना बनकर जीटी जी बन गए, इससे सारा बीमारी हो गया। इसलिए जब एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के चलते यानी कि खास पॉइंट पर एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के चलते जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो आप ध्यान रखना बाबू कि सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का भी बेस्ट एग्जांपल हो गया। जब एक खास पॉइंट एक खास सिंगल नाइट्रोजनस बेस के गड़बड़ चलते सारा बीमारी होता है। तो ये क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनकी ग्लोबिन प्रोटीन के बीटा चेन के छठा नंबर पोजीशन पर होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, वो न बन करके समान स्थिति में होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, वो नहीं बन पाता है। बनता क्या है? वैलिन, जिसके साथ सारा तमाशा हो जाता है। और वैलिन क्यों बन गया? तो डीएनए में, डीएनए के एक स्ट्रैंड में एक नाइट्रोजनस बेस जो एड होता है एडिनिन, उसके जगह पर थायमिन बन जाने के चलते सारा समस्या हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप बुक पढ़िएगा एकदम ध्यान से, दो बार तीन बार समझ में आएगा एकदम, और यहाँ से प्रश्न जो भी बनेगा आप बना लीजिएगा। ये कहानी था सिकल सेल एनीमिया का। क्या है ये? पांच नंबर बाबू आया तो भी आप बना सकते हो, दो नंबर में आया तो भी ले सकते हो। सिकल सेल एनीमिया एक खास कंडीशन है, एक खास आनुवंशिक बीमार है जो ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है, अलिंग संलग्न प्रभावी लक्षण होता है
इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें आरक्षी का आकार सामान्य न होकर के हसी आकार होता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई तरह की परेशानी हो जाता है। ये पॉइंट म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसकी जो आरबीसी सेल है उसमें जो प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन उसके बीटा चेन पे छठा नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन नामक अमीनो एसिड बन जाता है, इससे सारा गड़बड़ जा सकता है। और ये पॉइंट म्यूटेशन अगर आप लोग में आ गया दो नंबर का व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, तो आप लिख सकते हैं कि जब एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के म्यूटेशन के चलते एक खास बिंदु पर एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के म्यूटेशन के चलते अनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाए उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है, अब देखना है ये की जगह पर टी हो गया, इससे सारा गड़बड़ हो गया। दैट्स ऑल। अब हमने जो आप लोगों को बताया कि आपके जो बुक में है ऑटोसोमिक रिसेसिव ट्रेट, इसमें नेक्स्ट है फिनाइलकेटोनुरिया, अगला क्या है फिनाइलकेटोनुरिया। तो फिनाइलकेटोनुरिया ही बाबू, ये हम बताया थे कि जो तीनों बीमारी है यानी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये तीनों ही अलिंग संलग्न रोग है, सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई नहीं है, ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है। कैसे ये इनका वंशानुगत होता है देख लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है ये फिनाइलकेटोनुरिया, ये क्या है तो हम लोग देखें, तो थोड़ा सा इसको हम इक्वेशन से समझा देते हैं। देखिए फिनाइलकेटोनुरिया क्या होता है, सामान्य व्यक्ति में पहले क्या होता है हम देख लें और फिर असामान्य में क्या होता है देख लें। तो सामान्य व्यक्ति में क्या होता है कि हमारे हम जानते हैं कि हम लोग लिविंग बींग्स हैं, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहता है। क्या होता रहता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहता है। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू? फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन कब बनता है? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो फिनाइल एलानिन बनता है। लेकिन ये फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है? तो यह एक खास एंजाइम के द्वारा, इसको नॉन हार्मफुल टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिनाइलकेटोनुरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल एलानिन बनता है, जिसको एक खास एंजाइम के हेल्प से टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है तो उसको लेस हार्मफुल या नॉन हार्मफुल टायरोसिन में बदल दिया जाता है, ठीक है? अब इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। क्या नाम है इसका? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। तो ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम के हेल्प से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पहले से पता होगा कि हमारे बॉडी में जितने एंजाइम्स होते हैं ऑल आर प्रोटीन, हम लोग कई बार चर्चा किए होंगे कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तुम्हारे बॉडी के सारे एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। अब नो डाउट प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बना होगा? आरएनए से। और आरएनए किससे बनता है? डीएनए से। और डीएनए में क्या होते हैं? जीन पाए जाते हैं जो एक सिंगल ट्रेट को इंडिकेट करते हैं। तो क्या होता है, जो व्यक्ति फिनाइलकेटोनुरिया डिजीज से सफर करता है उसमें क्या होता है, ये खास एंजाइम, वैसे व्यक्ति जो फिनाइलकेटोनुरिया डिजीज से सफर करते उसमें क्या होता है कि एक खास जीन जो इस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक खास जीन जो उस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके चलते फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, वह म्यूटेट कर जाता है, उसमें गड़बड़ी आ जाता है, जिसके चलते यह एंजाइम बनेगा ही। अब जब एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जो प्रक्रिया हो रहा है फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बदलने वाला वो नहीं बनेगा। अब टायरोसिन नहीं बनेगा, ये प्रक्रिया होगा नहीं होगा, ये नॉर्मल में होता है। जब ये एंजाइम कट नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में स्टोर होगा, और ये बॉडी में स्टोर होने के बाद ये फिनाइल पाइरूविक एसिड या इसके अन्य डेरिवेटिव में ये स्टोर होने लगेगा बॉडी में,
ये फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में स्टोर होगा, चूंकि टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो फिनाइल एलानिन स्टोर होगा, बाद से फिनाइल पाइरुविक एसिड बनेगा या अन्य इसके डेरिवेटिव के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होगा। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा स्टोर होगा तो इससे क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन आने लगेगा, मानसिक जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। पहला डिमेरिट होगा इसका कमी। दूसरा कि इसको किडनी जो है नहीं फिल्टर कर पाता है, तो यूरिन से रास्ते से ये एक्सक्रीट भी होने लगेंगे ये फिनाइल पाइरुविक एसिड। और एक और काम हो जाता है बाद से कि स्किन पिगमेंटेशन या हेयर पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होने लगते हैं इसके द्वारा। बात समझ में आया? ये दो नंबर पर चल जाएगा। फिनाइल की जनरिया ध्यान दीजिएगा, जनरली क्रोमोसोम 12 से संबंधित होता है। इससे क्रोमोसोम 12 ये क्या है तो अलिंग संलग्न अपरारी लक्षण है। क्या होता है इसमें ऐसे व्यक्ति, तो ये एक अलिंग संलग्न अपराय लक्षण है जिसमें रोगी व्यक्ति में वो एंजाइम नहीं बन पाता है जिसके चलते फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो सके। फिनाइल एलानिन कैसे बनता है तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक प्रक्रियाएं होती है उनके फंस। अब जिसके चलते हमारे बॉडी में स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा? फिनाइल एलानिन बाद से फिनाइल पाइरुविक एसिड बनकर हमारे बॉडी में स्टोर होगा और इसे मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे समझ में आपको याद रखना है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता है जिसके चलते टायरोसिन में नहीं बदला और ये बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बीमारी है इसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ऑटोसोम की रिसेसिटीज है, ठीक है, ये भी ऑटोसोम की रिसेसिटीज है। कह रहा है कि थैलेसीमिया भी ऐसा बीमारी है जो हीमोग्लोबिन से संबंधित है, जो आरबीसी सेल से संबंधित होता है। और इसमें भी क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाने के चलते या एक खास जीन में म्यूटेशन हो जाने के चलते या खास जीन में डिलीशन हो जाने के चलते यह बीमारी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लोबिन प्रोटीन कम बनते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन कम बनेंगे, जब ग्लोबिन प्रोटीन कम बनेंगे तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा और आरबीसी का काम प्रभावित हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन जब कम बनेगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, एनीमिया, व्यक्ति सफर करने लगेगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो कह रहा है कि थैलेसीमिया जो रोग है, ये रोग जिस व्यक्ति में होता है उसमें वो प्रभावी जीन के चलते जो ग्लोबिन प्रोटीन है, यहां भी वही सिकल सीनीमिया जैसा जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, तो ग्लोबिन प्रोटीन हम लोग पढ़े कि कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट हुआ। तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है ये इसके दो पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, ठीक है ना, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कह रहा है कि यही दो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन पाता है। अब कह रहा है कि अगर व्यक्ति में अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बना इस बीमारी के चलते तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, और अगर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन पा रहा या कम बन रहा है तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहेंगे, ठीक है बाबू। अल्फा नहीं बन रहा है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा नहीं बन रहा है तो बीटा थैलेसीमिया, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि अल्फा थैलेसीमिया कैसे नहीं बन पाता है, तो कह रहा है कि यह जिस जीन से रेगुलेट होता है अल्फा थैलेसीमिया वो दो तरह का होता है, HbA1 और दूसरा होता है HbA2। ये दो जीन है, HbA1 और HbA2, ये दो तरह के जीन है। तो कह रहा है कि ये दो जीन या तो पिता का या माता का, तो चार हो गया, दो जीन पिता का, दो जीन माता का। तो इस चारों जीन में, माता के जीन में, माता के इस दोनों जीन में या पिता के दोनों जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन कम बनेगा, ये नहीं बनेगा या उसका बनना प्रभावित होगा। उसी तरह से कह रहा है जो बीटा थैलेसीमिया है ये खास जीन से कंट्रोल होता है, इसका नाम है HBB। क्या नाम है? HBB, ये खास जीन है। तो कह रहा है कि यह जो खास जीन है जो बीटा
जो बीटा थैलेसीमिया पाया जाता है यानी कि जो व्यक्ति में पाया जाता है, अगर इस एचबीवी जीन में म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए उसके चलते बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन कम बनेगा या उसका बनना प्रभावित होगा। तो कह रहा है कि इस एचबीवी जीन माँ का या पिता का ये जो जीन है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, अगर कोई इसमें से माता का जीन या पिता का यह जीन प्रभावित हो जाए, म्यूटेट हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए या डिलीशन हो जाए तो उससे बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? और जब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा यानी कि आरबीसी से नहीं बनेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। तो यही है थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। दो तरह का होता है, बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया। जब अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बने तो अल्फा थैलेसीमिया, जब बीटा नहीं बने तो बीटा थैलेसीमिया। ये दो जीन से कंट्रोल होता है, HBA1 HBA2। तो ये माता का या पिता का चारों जो जीन हुआ, माता का या पिता का इस चार जो यही जीन माता में होगा या पिता में होगा तो इसमें म्यूटेशन हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा माता या पिता के जीन में गड़बड़ी हो जाएगा। या HBB जीन होता है बीटा थैलेसीमिया के रिस्पॉन्सिबल, तो ये माता में गड़बड़ी हो जाएगी, पिता में इससे ग्लोबिन कम बनेगा। अब थोड़ा सा हम बताए थे कि थैलेसीमिया यानी सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, वहां भी हम देख रहे थे ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए बाबू, जो थैलेसीमिया बीमारी है ये क्वांटिटेटिव ग्रह कर डिजीज हुआ, यानी कि इसमें ग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा बनना प्रभावित हो रहा है, मात्रा कम मात्रा बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन कम मात्रा में बनेगा। तो यह जो थैलेसीमिया बीमारी हुआ ये आपको कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, मात्रा कम हो जाना, यहाँ मात्रा कम हो जाए, ग्लोबिन प्रोटीन कम मात्रा में बनेगा, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन का ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन का मात्रा में बनेगा, ये मात्रात्मक कमी हो गया थैलेसीमिया। और सिकल सेल जो एनीमिया हो गया इसमें कह रहा है ग्लोबिन प्रोटीन बनता है, ग्लोबिन प्रोटीन का बीटा चेन पूरा बन जाता है लेकिन गड़बड़ बन जाता है, एबनॉर्मल बन जाता है, यानी उसमें उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, बनता है बट गड़बड़ हो जाता है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। इसे कहेंगे क्वालिटेटिव गुणात्मक, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। समझ में आया दोनों में क्या अंतर? इससे ग्लोबिन प्रोटीन का मात्रा बिगड़ जाता है, कम मात्रा में बनेगा और इसमें उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, उसमें बीटा चेन पूरा बनता है लेकिन वो उसमें एक एबनॉर्मल अमीनो एसिड आ जाता है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होगी और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप बुक से पढ़िएगा, कहीं किसी को दिक्कत होगा तो आ जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन भी सब बन जाएगा। फिर आपसे बोल रहे हैं आप बुक जरूर पढ़िए बार बार, दिक्कत होगा पूछिए। धन्यवाद।